हेलो फ्रेंड्स, फिर से मेरे चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जियो के 5G का जो वेलकम ऑफ़र जियो एक साल के लिए फ्री में दे रहा है, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले मैं जियो जो ऐप है उसको खोल लेता हूँ। जियो ऐप को खोलने के बाद ऊपर में आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर 5G इनवाइट इज हियर, योर 5G इनवाइट एंजॉय अनलिमिटेड डाटा विद जियो वेलकम ऑफर। यहाँ पर देखिए आप थ्रू 5G लिखा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन अपग्रेडेड टू जियो वेलकम ऑफर, एंजॉय अनलिमिटेड 5G बेनिफिट्स अप टू 1 Gbps। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर ना मिला तो आप यहाँ पर कट करके यहाँ पर ऊपर में ही देखेंगे जियो टू 5G कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन अपग्रेडेड टू जियो वेलकम ऑफर अनलॉक टू 5G नाउ। यहाँ पर गेट स्टार्टेड करेंगे, यहाँ पर गेट स्टार्टेड है, गेट स्टार्टेड करेंगे तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन का कॉन्फ़िगरेशन है ये जियो चेक करेगा कि आपका जियो वेलकम ऑफर है कि नहीं, आपका इस सिम में जो आपका नंबर है इसमें है कि नहीं, आपका हैंडसेट 5G कॉम्पेटिबल है कि नहीं। यहाँ पर आई हैव अपडेटेड, या फिर आप देख सकते हैं कि आपका कोई सॉफ्टवेयर अपडेट है कि नहीं, तो अपडेट नाउ में आप तो क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक फॉर अपडेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख रहा है कि अपडेट देख रहा है तो मेरा जैसे लेटेस्ट अपडेट है एंड्रॉयड 12 और 5 अक्टूबर 2020 का सिक्योरिटी पैच है, तो मेरा अपडेट है ये, तो बैक करूँगा। उसके बाद फिर से गेट स्टार्टेड में जाऊँगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि जियो हैंडसेट 5G कॉम्पेटिबल ब्राइट हो गया है, मतलब आपका फ़ोन 5G सपोर्टेड है। ये आपको पहले चेक करना होगा, तो यहीं से आप लोग चेक कर सकते हो। वहाँ पर सेकंड जो है हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन, हैंडसेट सॉफ्टवेयर वर्जन में जो होता है कि आपका सॉफ्टवेयर वर्जन लेटेस्ट है कि नहीं वो आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरा मैंने देखे हुआ हूँ, जो लोग देखे हुए हैं वो आई हैव अपडेटेड पे क्लिक करेंगे, या फिर मैं आपको दिखा देता हूँ अपडेट नाउ करने के बाद क्या होगा। अपडेट नाउ करने के बाद यही चीज़ दिखाएगा कि आपका सॉफ्टवेयर जो है वो कॉम्पेटेबल है कि नहीं 5G चलाने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये दिखाता है कि आपका जो फ़ोन है वो 5G सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर मेरा देखिए चेक करूँगा, उसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा सिस्टम जो है वो अप टू डेट है, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद आप लोग बैक करके फिर से जब गेट स्टार्ट में जाएंगे तो आपको दिखेंगे कि ये दो ये तीनों ही राइट हो गया है। तो आई हैव अपडेट, अब मैंने आप जस्ट देखा है तो आई हैव अपडेट मैं कर देता हूँ। तो इसके बाद देखिए कि आपका प्लीज़ स्विच ऑन मोबाइल नेटवर्क टू एंजॉय 5G वेलकम ऑफर, 5 बंद कर देता हूँ और नेट डेटा ऑन कर देता हूँ। तो डेटा ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपका जो नेटवर्क है, जो भी आपका जियो सिम का नेटवर्क है वो 5G है कि नहीं। यहाँ पर देखिए मेरा 5G 4G 3G 2G ऑटो, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि आपका 5G इनेबल है कि नहीं आपका फ़ोन में। तो उसके बाद बैक करने के बाद फिर से आपको गेट स्टार्ट में जाना होगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है आपको देखना होगा, तो ये आपका सब कुछ कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपका जो फैक्ट होगा वो फैक्ट आपको एरिया पे पड़ेगा, एरिया मतलब आपका एरिया में 5G स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरा फ़ोन में अभी भी 4G दिखा रहा है, बट यहाँ पर नीचे देखिए चेक योर 5G सेटिंग्स, गो टू योर मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स एंड एनसीओ 5G नेटवर्क टाइप इज एनेबल टू एंजॉय जियो वेलकम ऑफर। बट मेरा फ़ोन में इनेबल है, बट मेरा एरिया में अभी तक 5G नहीं आया है, इसीलिए यहाँ पर आपको 4G ऊपर में देखिए मेरा जो जियो सिम का है वहाँ पर 4G दिखा रहा है। जिस एरिया में 5G आ गया है तो वो लोग जियो का जो वेलकम ऑफर है उसका भरपूर आनंद उठा सकते हैं, बस जिस जगह पे अभी तक 5G का नेटवर्क नहीं आया है वो लोग अभी कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए 4G पे उसको काम चलाना पड़ेगा। जैसे मेरा भी अभी एरिया पे 5G इनेबल नहीं है, तो उसे 5G का कोई भी नेटवर्क नहीं है, तो मुझे भी क्या करना पड़ता है, मुझे भी 4G में ही काम चलाना पड़ता है, वेलकम ऑफर का कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे में। बट आपको जब कट करके जब मैं मोबाइल सेक्शन में लेकर जाऊँगा, यहाँ पर देखिए मोबाइल जो सेक्शन है, मोबाइल पे जे कर सकें, यहाँ पर देखिए मेरा नंबर के ऊपर जो यहाँ पर है 2 5G लिखा है, मतलब मेरा फ़ोन जो है वो 5G है, बट मेरे एरिया में नहीं है इसीलिए ये चल नहीं रहा है।
तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे इस वीडियो अच्छे लगे तो इसको शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।